मैं बजिया का स्टूडेंट हूँ, फातिमा सूरिया बजिया जो अनवर मकसूद की बड़ी बहन थी, आई थिंक आई एम हर स्टूडेंट. लास्ट 4 ईयर्स ऑफ हर लाइफ आई वॉज गोइंग टू हर हाउस थ्राइस अ डे वीक, एक एक घंटा, दो दो घंटा. आई डिड नॉट नो हाउ टू टॉक, आई डिड नॉट नो हाउ टू से सलाम. वो औरत रात के 12 बजे किसी का, 82 साल की थी जब तक वो, 84 में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई. बाद के 12 बजे फ़ोन आ जाए, बेटा वो पुलिस वाला, मेरी गाड़ी गुम हो गई है. चलो बेटा मैं आ रही हूँ. अब्दुल वहाब ज़रा गाड़ी निकालो, बैठेंगी गाड़ी में जाएंगी. एंड उस बेचारे के जैसे ही थाने पहुँचेंगी, कोई नहीं जानता उनको अगर तो, हाँ बेटा कैसे हो, ठीक हो, सब चल रहा है घर में, बच्चे ठीक हैं? बेटा ये बेचारा मजबूर है, इसके थोड़ी सी हेल्प कर दो. वो कोई नहीं जानता वो कौन है, क्या है, और उसकी हेल्प कर दो. मेरे साथ इतनी दफ़ा उन्होंने देखा, मैं कहता ये कैसे हो सकता है कि हम प्यार से इतना काम करा सकते. बट आई लिटरली सॉ विद माई आईज एंड सिंस देन आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट. बिलीव इट और नॉट, किसी कमिश्नर ने, किसी गवर्नमेंट के दफ्तर ने आज तक मेरा कोई काम नहीं रोका. अवल तो मैं ज़्यादा काम ही नहीं करता जैसे आप पाकिस्तान में, लेकिन मैं रहता तो पाकिस्तान में ही हूँ, दूसरों के काम कराने होते. कभी किसी ने नहीं रोका, ना किसी ने बदतमीज़ी करी, कभी नहीं हुआ. पता नहीं क्यों नहीं हुआ, दूसरे लोग परेशान रहते हैं. एक आप गूगल कीजिएगा, देयर इज ओनली आई फाउंड वन ज्यूइश गाय इन पाकिस्तान. मैं आपको एक किस स्टोरी सुनाता हूँ उसके बाद. दिस बॉय हिज नेम इज फैसल, ही बिकेम फिशल. हिज मदर वॉज ज्यूइश, ईरानियन ज्यूइश. शी केम टू पाकिस्तान एंड शी लिव्ड देयर. ये स्टोरी मैंने कभी भी कैमरे पे नहीं शेयर की है. तो चलो फिशल, उसने मुझे बहुत दफ़ा कहा मैं लिख दूँ उसके बारे में, बट उसने कहा, मैंने कहा नहीं. सो फिशल साहब बहुत इसराइल टाइम्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स में उसकी पूरी कहानियाँ भरी हैं. अगर आप उसको गूगल करेंगे तो ही विल फाइंड हिम एवरीवेयर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और इसके ख़िलाफ़, हर चीज़ के ख़िलाफ़ वो. मैं तो प्रोटेस्ट करूँगा जाकर, ठीक है. सो एनीवेज, फिशल साहब को मैंने डरते डरते के, यहूदी है, अल्लाह रहम करे मेरे ऊपर, क्या होगा मेरे साथ. मैंने उसको कहा, यार बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, मैं मिल दो. कहने लगा कि एक आपको कराची से कितने लोग हैं, आधे लोग तो हैं शायद. सो कराची में एक ज्यूइश सेमेट्री है जो कब्ज़ा माफिया उसके ऊपर बहुत साल से चक्कर में है कि वो किसी तरह कब्ज़ा कर ले उसको. सो उस ज्यूइश सेमेट्री, मुझे भी सुना था मैंने कि है. फिशल को था कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं जब भी जाता हूँ मुझसे पैसे मांगते अंदर जाने के, मैं पैसे नहीं देना चाहता. 500 रुपये मांगते होंगे. एक आदमी चौकीदारी कर रहा है, वो कहता है भाई जी बख्शी दे दो, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल तरीका है. खैर मुझे, मैंने उनसे मिला, लंच पे गया डरते डरते. उसके बाद मैंने कहा चलें तुम्हारी सेमेट्री में, तुम्हें अंदर नहीं घुसने देते. कहते मुझे आप गवर्नर से मिलवा दें और कमिश्नर से मिलवा दें, किसी तरह मैं अंदर चला जाऊँ, कोई अंदर नहीं जाने देता मुझे. मैंने कहा अगर आप इजाज़त दें तो हम चलते हैं, देखते हैं कौन रोकता है आपको, देखूँ तो सही. गए वहाँ, एक आदमी था उससे प्यार से बात करी, उसने अंदर छोड़ दिया, मुझे घूर के देखने लगा. फिर बैठे रहे हम, गए अंदर, घूमे फिरे आए. फिर कहने लगा साहब चाय वाय पियोगे? मैं यार चाय लेके आना यार, तुम इतनी दूर से आए, हम चाय वाय तो पिलाओ. वो चाय वाय आई हमारे लिए, चारपाइयाँ बिछाई गई. अब वो मुझे घूरा जा रहा है इतनी देर से कि ये क्या हो रहा है. आई डिड नथिंग लिटरली, आई जस्ट यू नो जस्ट सेड हेलो, कैसे भाई कैसे हो. फिर वो उसकी अम्मा आती है, जो वहाँ का माफिया, जो वहाँ का इंचार्ज चौकीदार की अम्मा आती है. जैसे ही वो आती, मैंने देखा उसके हाथ पे कुछ स्किन डिजीज़ है. जैसे ही वो आई, मैं से बात कर रहा, मैंने उसको भी, अम्मा क्या है ये बताओ. शी केम टू इंक्वायरी, कौन लोग आ गए, ये क्यों अंदर घुसे हुए हैं, ये किस तरह से ये हो रहा है. तो मैंने कहा ये क्या, वो बेचारी अपनी कहानी सुनानी शुरू हो गई कि मेरा ये डिजीज़ है ये है. मैंने फ़ौरन अपने एक उसको बेटे को बुलाया, मैंने कहा ये नंबर लिखो डॉक्टर साहब का, तो मेरा कार्ड लो, उनके पास जाना, वो आपसे कोई इलाज के पैसे नहीं लेगा, आप प्लीज़ इसको इलाज कराएं. अब वो फिर वो भी मेरी शक्ल देख रही है, कौन है, क्यों नंबर दे रहा है, कार्ड दे रहा है, मेरी तो जान पहचान भी नहीं है. वी गॉट द चाय, वी गॉट कोक, वी गॉट वाटर, वी गॉट एवरीथिंग. फिशल स्टार्टेड टू क्राई लिटरली कि यार ये कहने लगा मैं यहाँ आके सफाई कराना चाहता हूँ, ये हमारे यहूदियों की खबरें हैं, करा लो उनसे, इजाज़त मांगी. कहते हैं हाँ आ जाओ. वी लेफ्ट, हमने जाते हुए उनको बख्शिश देने लगे कि भाई जाहिर सी बात है गरीब आदमी बेचारा, मैं चाय वाय पिला रहा है उसको, थोड़े बहुत 500 रुपये 1000 रुपये हमने दिए. वो फिशल लड़ने ही लगा. मैंने कहा क्यों क्यों पैसे दे रहे हैं? मैंने कहा वो बेचारा गरीब आदमी है, ईदी दे रहा हूँ समझ लो, कि नहीं ये ना दें आप, ये गवर्नमेंट का हक है. मैंने कहा गवर्नमेंट नज़र आ रही है आपको यहाँ पे? जब गवर्नमेंट नहीं है तो आप दे दें, आप गरीब हो, $10 देने से मैं गरीब नहीं होगा, मैं समझ लूँगा मैंने किसी को खाना खिला दिया. ये उसने इतनी खातरी कही. बहरहाल ही गॉट मूव्ड, वहाँ से हम बजिया के घर चले गए. उस वक्त तक वो अपना हाफजा भूल चुकी थी एंड शी वॉज रियली
सिक। मैंने उनसे पूछा कि आप चलना चाहेंगे, मैं शाम को जाता हूँ उनके पास, चलें। तो वे गए वहाँ जाके, वो भजिया के पास जाके रोना शुरू हो गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ, कि मेरे सारे विशेज़ जो थे कि भाई अंदर जाना, सफाई कराना, मीन दीज आर सो सिंपल विशेज, देर आर नॉट इवन विशेज राइट, टू मी इट वॉज, बट वहाँ जाके वो रोना शुरू हो गया। तो कहता है, मैंने कहा और कोई काम है? कहता है मैं चाहता हूँ शिनाख्ती कार्ड पे ज्यूइश लिखा हो, मुसलमान ना लिखा हो। मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, मुफ्ती साहब हैं, उनको बुला लिया। मैंने कहा ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? तो उन्होंने कहा नहीं, आप फीस यहूदी हम लिखवा सकते हैं। मैंने कहा आप प्लीज़ इनको नादरा के दफ्तर ले जाएंगे, वो लिखवा देंगे इनका। हाँ, वो फिर मेरी शक्ल देख रहा है कि ये मैं चक्कर पे चक्कर लगा रहा हूँ, क्योंकि वो जाके बदतमीज़ी करता था, वो जाता था एरेगेंसी शो करता था, हक मांगता था। देर इज़ अ बिग प्रॉब्लम कि हम सब अपना हक मांगने के चक्कर में लगे। वट इज़ हक? आई डोंट नो वट दैट इज़। तो एंड वी गॉट, नाउ ही जस्ट पोस्टेड हिज फोटो, फाइनली गॉट ज्यूइश ऑन हिज शिनाख्ती कार्ड, टुक हिम टाइम बिकॉज इज द फर्स्ट वन, एंड ऑन हिज पासपोर्ट, और बट इट गॉट डन। सो वट आई लर्न फ्रॉम भजिया, एंड इट्स इन वन ऑफ माई बुक्स, अगर आप देखिए, आई डेडिकेटेड के अगर आप सिर्फ प्यार से पाकिस्तान में कहीं भी काम कर लें, आई फाउंड के काम हो जाता है। और अगर हम अकड़ जाएंगे हमारा हक दे दो, तो बड़ा मसला हो जाता है। तो वो एक पुरानी है ना कि भाई जब रस्सी को एक खींच के भी आप कर सकते हैं और छोड़ देते तो भी वो सारे गिर जाते हैं। इट्स योर चॉइस विच कैन डू अ लॉट।